आज हमारे साथ जुड़े हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रदीप गांधी जी। तो आइए इनसे जानते हैं इनके क्या व्यूज़ है। सर, आज आदिश अग्रवाल जी ने ये इंटरनेशनल फोटोग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन किया है यहाँ पे, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रदर्शनी समृद्धि और विश्व शांति के सूरवीर के नाम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिवस के अवसर पर इन्होंने बहुत सुंदर कलेक्शन रखा है। और इसको देखने के बाद एक व्यक्ति की धरातल से कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचे, कितना संघर्ष किया, कितना त्याग और तपस्या उन्होंने किया, वो सारे फोटोग्राफ्स उनके विचारों को प्रदर्शित करता है। अलग अलग फोटोग्राफों से को देखने के बाद एक नया प्रकार का संदेश हमको प्राप्त होता है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि विश्व की अनेक भाषाओं में इसको PDF में कन्वर्ट करें और इसको भेजें, ताकि लोग इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम अतीत के भी किसी फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो उसको देख के हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों से, अपने क्रियात्मक चरित्र से हम सबको नित्य नूतन प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। यह एग्जीबिशन भी आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगी। और ये आदिश जी ने जो प्रयत्न किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायुष की कामना करता हूँ। बिल्कुल सर, और जैसे कि आप जानते हैं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिन है, तो इस पे आप उनको किस प्रकार आप उनको बधाइयाँ देना चाहेंगे? देखिए, वो शतायु जिए, 100 वर्ष उनकी आयु हो, ये मंगल मेरी प्रार्थना है। और वो नई पीढ़ी से लेकर के अब तो विश्व को नेतृत्व देने की क्षमता मोदी जी ने विकसित कर ली है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि भारत विश्व गुरु बने और विश्व गुरु बन करके एक नई क्षमता के साथ वो उभर करके आएं और मोदी जी अब विश्व को अपना नेतृत्व प्रदान करें, ऐसी मेरी कामना है। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद 10 न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं हूँ साक्षी जाधव और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।